सो फ्रेंड्स, फाइनली वी डू हैव अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर दिस सोनी X70G टीवी। मैं अपने पिछले ही वीडियो में बात कर रहा था कि काफी टाइम से इस टीवी के लिए सॉफ्टवेयर रिलीज नहीं हुआ है और ये देखिए सॉफ्टवेयर रिलीज हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इस सोनी X70G टीवी को अपने टीवी को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। अगर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो USB से करेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट चेंजेस हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या हॉटस्टार एज अ एप्लीकेशन आ गया है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, फाइनली वी डू हैव अ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर दिस सोनी X70G टीवी। लेकिन बड़े दुखद की बात अभी भी ये बनी हुई है कि सोनी ने इस सॉफ्टवेयर अपडेट में भी हॉटस्टार को एज अ एप्लीकेशन इस टीवी के लिए नहीं दिया है। तो हम अभी भी हॉटस्टार का मजा इस टीवी पे नहीं ले पाएंगे जैसे कि हम नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का ले रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो या टीवी का सॉफ्टवेयर हो या किसी और गैजेट्स का सॉफ्टवेयर हो। हम सॉफ्टवेयर अपडेट जब करते हैं किसी भी सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या टीवी में, तो सारे जितने भी लेटेस्ट फीचर्स होते हैं, बग्स होते हैं या प्राइवेसी पॉलिसी होती है, वो आ जाते हैं और हमारा टीवी और भी इम्प्रूव्ड हो जाता है, चाहे वो पिक्चर क्वालिटी के टर्म में हो, साउंड के टर्म में हो या अपीयरेंस के टर्म में हो। तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने इस सोनी X70G टीवी को किस तरीके से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं। अगर आप मेरी तरह इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो ये करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है फिर भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं, लेटेस्ट फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं अपने इस सोनी X70G टीवी पे, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो इस टीवी को किस तरीके से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे लेके आएंगे। आपको सिंपली होम पेज के सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स में जाइए और वहां से आप सपोर्ट में जाइए। सपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में गए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, USB और नेटवर्क। USB में आपको सेकेंड फेज में बताऊंगा, चलिए हम पहले नेटवर्क से कर लेते हैं क्योंकि मेरा टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क पे जाऊंगा और यहां से जैसे ही मैं करूंगा तो ये बोलेगा डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड। आप यस कीजिएगा तो ये सॉफ्टवेयर को सर्च करना स्टार्ट कर देगा और जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सोनी ने इस टीवी के रिलीज किया है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर आपसे इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। आप उसको अभी करना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए, या फिर किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इंटरप्शन नहीं हो तो उसको बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूं इसे अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त कभी भी अपने टीवी को आप ऑफ मत कीजिए या इंटरनेट से डिस्कनेक्ट मत कीजिए। हो सकता है कि आपका टीवी सॉफ्टवेयर अपडेट के वक्त कई बार रीस्टार्ट ले, तो इसे होने दीजिए, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने दीजिए। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका टीवी खुद ब खुद बता देगा कि वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे आ चुका है। तो दोस्तों, हमने फाइनली अपने सोनी X70G टीवी को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर दिया है। तो चलिए एक बार हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का वर्जन देखते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स से हम कस्टमर सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखा देगा जो नया वर्जन सॉफ्टवेयर का आया है V1.909। इससे पहले जो वर्जन था वो V1.904 था, लेकिन अब जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो हमारा V1.909 है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने इस टीवी को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क पे कनेक्ट हैं तभी। लेकिन अगर आप नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है, जिन भाई बंधुओं का टीवी नेटवर्क पे नहीं है, वो कैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपने टीवी को लेके आएंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको कुछ ज्यादा हिप हॉप नहीं करना है और आपको कोई टेक्निकलिटी की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली सोनी के वेबसाइट पे जाइए, सर्च मारिए इसके सॉफ्टवेयर का, यानी सोनी X70G के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को, उसको डाउनलोड कीजिए, अपने पेन ड्राइव में उसको डालिए और उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और सिंपली इस टीवी के अंदर घुसेड़ दीजिए USB पोर्ट में। USB पोर्ट में आपने USB को लगा दिया तो सिंपली फिर से आपको जो है सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में गए, कस्टमर सपोर्ट में गए
और यहाँ पे अभी जो हमने नेटवर्क को सिलेक्ट किया था उसकी जगह पे आपको जो है यूएसबी को सिलेक्ट करना है। ये यूएसबी सर्च मारेगा, आप उस इस यूएसबी को ओपन कीजिए, उस फोल्डर को ओपन कीजिए और अपडेट मार दीजिए। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। या तो आप यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं या फिर टेम्परेरली अपने मोबाइल डाटा का यूज करके हॉटस्पॉट बना के इस टीवी को उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, और वहां से फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस टीवी में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस नए सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ हमें अपने टीवी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ जो मेजर रिलीज हुआ है, मेजर अपडेट्स आया, वो इम्प्रूवमेंट में आया है आपके ओवरऑल यूआई के, यूट्यूब के इंटरफेस में आया है, नेटफ्लिक्स के इंटरफेस में आया है, और ओवरऑल टीवी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया बना दिया गया है। यानी कि अब इसका जो प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स होगा वो आपको फास्ट मिलेगा और भी कई सारी चीजें मिल सकती है। इसके साथ में ही सोनी ने अपने एंड पे प्राइवेसी पॉलिसी को भी अपडेट किया है। नाउ सोनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑल आर डाटास। जी हाँ दोस्तों, हम टीवी देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डाटा जिस कंपनी का भी टीवी है उसके एंड पे स्टोर हो रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं। तो अब ये डाटा जो प्रोसेस आउट होगा उसके लिए सोनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये हैं इस सॉफ्टवेयर के सारे इम्प्रूवमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट इस सोनी टीवी से रिलेटेड। लेकिन वी आर स्टिल डिससेटिस्फाइड राइट नाउ। आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए कि हॉटस्टार भैया अभी भी इस टीवी में मिसिंग है, कब दोगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो दैट कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप अपने सोनी X70 जी टीवी को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर पाएंगे। स्टिल आपके अंदर कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो यू कैन लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।